अब जो वार्ता है श्री ठाकुर जी के अति प्रिय और मुझे लगता है अष्ट चखाओं में अतिशय चंचल श्री गोविंद स्वामी जी की वार्ता। तो उत्तम ब्राह्मण कुल में श्री गोविंद स्वामी जी का जन्म, संस्कारी जीव थे तो उच्च कुल हो, विद्या हो, बुद्धि हो, वैभव हो तो किंचित अभिमान होता ही है, प्रभुता पाए काय मद नाही होता ही है, और बिना गुरुजनों की कृपा के दैन्य जीवन में आता ही नहीं। तो उत्तम कुल में जन्म, बुद्धिमान, विद्याधर, बहुत शिष्य थे इनके, लेकिन मन में एक अभाव था जो खटकता था। और आपको स्मरण हो तो व्यासपीठ ने पूर्व निवेदन किया, सत्संग भले आपको भीतर से तुष्ट पुष्ट न करे लेकिन आपको भीतर के अभाव की अनुभूति अवश्य कराएगा कि जीवन में प्रभु के बिना अभाव है, अधूरा है जीवन प्रभु के बिना। तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मन को वो अभाव खटकता था जो चैन नहीं लेने देता था। और शरीर में गांठ पड़ी हो तो आप भाई रेशम के गद्दे पर सो, पर वो सोने नहीं देगी क्योंकि भीतर गांठ है। ऐसे भीतर का जो अभाव है बाहर सुख नहीं लेने देता, वो बाहर चैन लेने नहीं देता। और जीव संस्कारी हो और किंचित संसार की असारता का बोध हो जाए फिर तो जब तक विश्राम न मिले तब तक जलबिन मीन किसी गति है। संस्कारी जीव थे और बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, विद्याधर थे, पंडित थे, प्रवीण थे। तो एक बार कुछ वैष्णवों के कुछ भक्तों के संग बैठकर चर्चा हो रही थी और मन कह रहा था कि श्री ठाकुर जी की सत्ता की अनुभूति तो होती है। श्री गोविंद स्वामी जी कह रहे थे श्री ठाकुर जी की सत्ता की अनुभूति तो होती है पर उनकी लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो, ये नेत्र कैसे सफल हो, ये काम कैसे सफल हो, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, ये मन जो प्रभु ने भगवत भजन के लिए दिया है ये कैसे सफल और सार्थक हो। तो एक वैष्णव श्री गोसाई जी का कृपा पात्र उस मंडली में बैठा था, उस गोष्ठी में था, तो उस वैष्णव ने कहा कि इस समय तो श्री लाल जी श्री गोसाई जी के वश में है, यदि उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो श्री गोसाई जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो श्री गोविंद स्वामी जी व्याकुल तो थे ही, तत्काल विचार किया और श्री गोसाई जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। गोकुल में श्री गोसाई जी का दर्शन प्राप्त हुआ, संध्या का समय था और श्री गोसाई जी जमुना के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। अब पंडित थे, संसारी व्यक्ति भाई अपने मन और बुद्धि से आकलन करता है, संध्या वंदन कर रहे थे श्री गोसाई जी और गोविंद स्वामी जी ने मन में विचार किया कि ये तो कुछ कर्मकांडी से मालूम पड़ते हैं, इन्हें क्या श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता होगा। श्री कृष्ण की लीला में छका रहने वाला वो कहां कर्मकांड में निष्ठ रह पाता होगा, स्थिर रह पाता होगा। तो श्री गोसाई जी को दूर से देखकर श्री गोविंद स्वामी जी के मन में भांति भांति के ये विचार संकल्प उत्पन्न होने लगे। इसलिए भाई भक्त और भगवान के पास भक्त की ओट से ही जाना चाहिए, सीधे नहीं जाना चाहिए। तो श्री गोसाई जी भाव में रहे होंगे, श्री गोविंद स्वामी जी को देखा और भाई चमड़े की आंख से चमड़ा दिखता है, श्रद्धा और विश्वास के नेत्र प्रभु का दर्शन करते हैं। श्री गोसाई जी ने देख लिया कि कोई महान संस्कारी जीव है और इनके माध्यम से श्री ठाकुर जी की लीला सुख का विस्तार होने वाला है। बड़ी प्रसन्नता भरी दृष्टि से श्री गोविंद स्वामी जी को देखे और बड़े आदर पूर्वक श्री गोविंद स्वामी जी आज किस प्रकार श्री गोकुल धाम में पधारे हैं ऐसा श्री गोसाई जी ने कहा। तो जो वचनामृत कान में पड़ा, वो जो अमृत की धारा मन प्राणों को झनकृत कर देने वाला स्वर जो कान में पड़ा श्री गोविंद स्वामी जी के, न्यौछावर हो गए, जान लिया कि ये सर्वज्ञ हैं, मेरे ही मन का किंचित अभाव रहा होगा जो मैंने ऐसी संशयपूर्ण दृष्टि से इनकी ओर देखा। देखो भक्त की जो क्रिया है, हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले गुरु जो करे वो नहीं करो, गुरु जो कहे वो करो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। एक संत को जाने कितने प्रकार के जीवों की रुचियों का पोषण करना होता है, आपको और मुझे अधिकार नहीं है उसकी क्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, और लगा भी लोगे तो उसकी कोई हानि नहीं है, आप वंचित रह जाओगे, उसकी कोई हानि नहीं, उसे तो जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। तो श्री
गोसाई जी ने वरद हस्त मस्तक पर पधरा दिया, ब्रह्म संबंध कराया, लीला हृदय में स्फुरित होने लगी श्री चरणों के प्रताप से। पर एक दिन श्री गोविंद स्वामी जी ने श्री गोसाई जी से पूछ ही लिया कि जिस दिन मैं आया आप संध्या वंदन आदि कर रहे थे, जो आप अध्यावधि करते हैं, इसका कारण क्या है? आप तो श्री ठाकुर जी के अत्यंत सन्निकट श्री ठाकुर जी आपकी गोद में क्रीड़ा करते हैं, आपको संध्या वंदन की आवश्यकता क्यों है? तो बड़ा सुंदर उत्तर, बड़ा वैज्ञानिक उत्तर श्री गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी जी को दिया कि ये जो कर्म कांड है इसमें कोई रस नहीं है, कांटों की बाढ़ जैसा है, लेकिन भक्ति जो है वो बड़ा सुकुमार पुष्प है, जो भाव है बड़ा सुकुमार है, और जैसे सुंदर सुकुमार पुष्प को कांटों की बाढ़ में सुरक्षित रखा जाता है, इसी प्रकार गुरुजनों का दिया हुआ जो अनुशासन है उसके मध्य में अपने भाव के पुष्प को, भाव की बल्ली को सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था कि भाई हमारी तो सबसे बड़ी निष्ठा, हमारी सबसे बड़ी निष्ठा किसी आचार्य की शरणागति में है, उसके बिना भावना की वल्ली फलीभूत नहीं होती। आप कितना भी भजन साधन क्यों नहीं करते, और हो सकता है आपकी भावना कितनी भी परिपक्व क्यों ना हो, आपने हो सकता है बड़ी रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हो, पर गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। लेकिन यदि आपके जीवन में किसी समर्थ गुरु का, किसी समर्थ आचार्य का आश्रय नहीं है, आचार्य की शरणागति नहीं है, आपकी भावना सिद्ध नहीं होगी, या सीधे शब्दों में कहूं तो श्री ठाकुर जी अंगीकार नहीं करते। दो ही प्रकार के जीव हैं, एक मनमुख है एक सन्मुख है। एक मनमुख जीव है, अपनी मन से अपनी रुचि से चलता है, और एक सन्मुख है तो श्री ठाकुर जी अंगीकार नहीं करते। तो श्री गोसाई जी ने उत्तर दिया कि जो भावना की वल्ली है उसको गुरुजनों के अनुशासन के मध्य ही सुरक्षित रखा जाता है, भक्त को आवश्यकता नहीं है। भक्त किसी सकाम इच्छा से उस क्रिया को नहीं करता है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि महाजनो येन गतः सुपंथा, क्योंकि महापुरुष आते हैं पथ बनाने के लिए। तो श्री गोविंद स्वामी जी का समाधान हो गया, श्री ठाकुर जी की लीला का सुख लेने लगे, आनंद लेने लगे। श्री गोविंद स्वामी जी के साथ तो ऐसी यानी कितनी लीलाएं हुई, इसीलिए मैंने कहा कि कथा बड़ी विस्तृत है, पर मुझे तो सबको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना है। एक बार श्री ठाकुर जी और गोविंद स्वामी जी सब सखाओं के संग कुंज में क्रीड़ा कर रहे थे, लुका छिपी का खेल हो रहा था। जब दांव पड़ा श्री ठाकुर जी का, तो श्री ठाकुर जी बिना ही दांव दिए आ गए, मंदिर में आकर विराजमान हो गए। अब गोविंद स्वामी जी जब दौड़कर जाने लगे तो दरबार ने रोक लिया, और गोविंद स्वामी जी क्या करने लगे, वही द्वार से खड़े और श्री ठाकुर जी को गाली देने लगे। अब तो दरबार को देखकर बड़ा क्रोध आया, उसने धक्का मारकर भगा दिया गोविंद स्वामी जी को। अब जिस मार्ग से श्रीनाथ जी नित्य खेलने के लिए जाते थे, गोविंद स्वामी जी उसी मार्ग में जाकर भेंट गए और कहते दांवले आयो भाज गमार। बोले गंवार हमारा दांव लेकर भाग आया, और बोले खोल किवार धंसो घर भीतर, और बोले सिखा दिए लंगवार। बोले खुद तो भीतर जाकर छिप ही गया, बोले अपने दरबान और सिखा दिए, धक्का हमको मारते। दांव ले आयो भाज गंवार, खोल किवार धंसो घर भीतर, सिखा दिए लंगवार। बोले कबहू तो निकसे को बाहर, बोले कभी तो आएगा। बोले ऐसी देऊंगो मार, बोले कबहू तो निकसे गो बाहर, और ऐसी देऊंगो मार, और गोविंद प्रभु सो वैर अब करके सुखी न सोवे यार। दाम ले आयो भाज गमार, आ तो गए ठाकुर जी। और जब गोविंद स्वामी जी की बात पता चली कि कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी देऊंगो मार, अब मंदिर के भीतर ठाकुर जी से रहा नहीं जाए, उनको तो बाहर क्रीड़ा किए बिना चैन नहीं है। अब करें क्या, किस प्रकार मनाया जाए गोविंद स्वामी जी को, जाने में निकट में जाने में डर लगे। तो श्री गोसाई जी ने जब श्री अमनिया सामग्री पधराई तो ठाकुर जी आरोग्य नहीं। तो श्री गोसाई जी ने पूछा, बोले जय जय आज आप आरोग्य नहीं रहे? तो श्री ठाकुर जी ने सारी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे वो गोविंदा मार्ग में बैठे हो है, माको दाम लेके मैं भागे आयो।
और अब वो इंतजार में बैठे हुए कि मैं बाहर निकलूं और मेरी पिटाई हो गए। और बोले संघ के सखा वाके संघ में है रहे हैं और मंदिर में चैन नहीं पड़ रहे हो। तो श्री गुसाई जी ने कहा, बोले आपको खेलने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है, मंदिर के प्रांगण में क्रीड़ा कर लिया करिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, देखिए वृंदावन की कुंजलताएं ही मेरा सुख है, बोले इनकी छाया में खेले बिना मुझे चैन नहीं मिलता। छबीली वृंदावन की बेल जय जय छा तर करें जुगल रस के जय जय श्री वृंदावन। इनकी छाया में खेले बिना मुझे सुख नहीं मिलता और बाहर जाने में मुझे भय लगता है। तो श्री गोसाई जी ने कहा, आप आज्ञा करो। तो बोले आप किसी प्रकार से गोविंदा को मना लाओ। अब क्या करते श्री गोसाई जी, जाना पड़ा, हाथ में छड़ी ली, वृद्ध शरीर था, गए बाहर और श्री ठाकुर जी ने बता दिया था कि वो वहीं बैठा है। श्री गोसाई जी को दूर से आता देखा हाथ में छड़ी, तो गोविंद स्वामी जी ने मन में विचार किया, बोले पहले दरबान से धक्के लगवाए, अब गोसाई जी को भेजा है हमारी पिटाई के लिए। तो गोविंद स्वामी जी आगे आगे, गोसाई जी पीछे पीछे, गोविंद स्वामी जी हाथ नहीं आए। तो श्री गोसाई जी ने दो सेवकों को भेजा कि भाई किसी प्रकार उसको लेकर आओ, श्री लाल जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। और उधर गोविंद स्वामी जी अपने मन में, उनके मन में वो जो सख्य रस था उसकी भांति भांति की लहरें उमड़ रही थी कि चलो ठीक है, थोड़ा सा छकाऊंगा और फिर मान जाऊंगा, लेकिन जब तक अपना मस्तक नहीं झुकाएगा मेरे सामने तब तक नहीं मानूंगा। ये सब विचार गोविंद स्वामी जी के मन में चल रहे थे। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि लाल जी तुम्हारे बिना बड़े व्याकुल हो रहे हैं, चलो और उनको सुख दो। तो श्री गोविंद स्वामी जी के मन का भाव जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख हुआ, श्री गोसाई जी ने देखा, मस्तक झुका लिया श्री ठाकुर जी ने, और श्री गोविंद स्वामी जी के मुख पर मुस्कान आ गई। श्री गोसाई जी ने दोनों सखाओं को परस्पर गले मिलाया और मन ही मन इस भाव की गंभीरता विचार कर बड़े सुख हुए, बड़े आनंदित हुए कि गोविंद स्वामी जी के भाव की पहुंच यहां तक हो गई कि श्री ठाकुर जी को भी उनके बिना सुख नहीं है, श्री ठाकुर जी को भी उनके बिना चैन नहीं है। और आपको स्मरण हो तो मैंने प्रथम दिन आपको निवेदन किया था, भक्ति ले जाती है जीव को वहां जहां जीव भगवान का सुख हो जाता है, जहां जीव भगवान का आनंद हो जाता है। अतुलित सामर्थ भक्ति की है, अतुलित सामर्थ कृष्णा कृष्णी, ये भक्ति का गुण धर्म है। वो ऐसा श्रृंगार, अनुपम श्रृंगार करती है जीव का, ऐसे ऐसे गुणों से सजा देती है उसे कि कृष्ण आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। एक बार वर्षा का समय था, मल्हार राग गा रहे थे श्री गोविंद स्वामी जी और श्री लाल जी संग संग गा रहे थे, आली उमड़ घन घुमड़ बरसे बूंदन परत फुहा जसन न न न न न थर रर कांपे मनवा दर्ज झींगुर बोलत झन न न झन न न आली उमड़ घन घुमड़। मंदिर का प्रांगण था, श्री गोविंद स्वामी जी ने कड़क कर कहा, बोले अरे तान सीधी क्यों नहीं लेते, श्री ठाकुर जी संग में गा रहे थे, श्री ठाकुर जी ने जानबूझकर तान थोड़ी चुका कर गाई। गोविंद स्वामी जी ने कड़क कर कहा, बोले अरे तान सीधी क्यों नहीं लेते। श्री गोसाई जी ने देखा कि बैठे तो गोविंद दास अकेले हैं, गोविंद स्वामी अकेले, बात किससे करते हैं। तो श्री गोसाई जी ने निकट बुलाकर पूछा, बोले किससे कह रहे थे तान सुधी लेने की, बोले आपके लाल के अतिरिक्त और कौन सा और कौन हो सकता है। तो श्री गोसाई जी ने बड़े बड़ी उत्सुकता में भरकर पूछा कि कैसा गाते हैं लाल जी। तो गोविंद स्वामी जी कहने लगे, गाते तो बड़ा मधुर है पर, श्री गोसाई जी ने कहा पर, बोले पर स्वामिनी जी उनसे भी मधुर गाती हैं। जय जय वृषभानु दुलार की जय, सरकार।
नंद कुमार की जय। स्वामी नंद कुमार की जय। रसिकन की रखवार की जय। रसिकन की रखवार श्रृंगार कर रहे थे और जगमोहन में बैठे श्री गोविंद स्वामी जी कीर्तन सेवा कर रहे थे। अब गुसाई जी तो लगे श्रृंगार की सेवा में और हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बोले श्री बाल कृष्ण को रूप कैसो है, अतिशय सुंदर, और स्वभाव कैसो है, बोले अतिशय चंचल। स्वरूप अतिशय सुंदर, स्वभाव अतिशय चंचल। तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया, श्री ठाकुर जी के पास में गोटियां रखी रहती हैं खेलने के लिए, तो एक गोटी उठाई और गुसाई जी की दृष्टि बचाकर गोविंद स्वामी जी को मार दी। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ गोटी श्री ठाकुर जी ने मारी। अब गोविंद स्वामी जी से रहा नहीं गया, एक गोटी उठाकर उन्होंने भी मार दी। अब गोटी श्री ठाकुर जी को तो लगी नहीं, श्री गुसाई जी के पास पहुंची। श्री गुसाई जी ने भीतर से ही कहा, बोले क्यों रे गोविंदा, तू सेवा के समय भी उधम करे। अब जब श्रृंगार आरती हो गई तो मुंह बनाए बैठे थे गोविंद स्वामी जी। श्री गुसाई जी ने पूछा क्या हुआ, बोले अरे आपके सपूत ने आठ कंकड़ी मारी जब मैंने एक मारी। बोले आपको वाह को दोस्त तो दिखे नहीं, बोले अपनो पूत सपूत दूसरे को मूली गाजर। बोले अरे आपको अपने लाल को दोस्त तो कभी दिखे नहीं। श्री गुसाई जी समझे नहीं, तो श्री गोविंद स्वामी जी ने निकाल कर दिखाई आठ कंकड़ी, आठ गोटी जो श्री ठाकुर जी की सेवा में पधराई जाती। बोले वो आठ गोटी गोविंद स्वामी जी के पास, बोले देखिए मैंने तो एक ही मारी, इन्होंने पहले आठ कंकड़ी मुझे मारी। हंस गए श्री गुसाई जी, हंस गए दोनों सखाओं के इस परस्पर सख्य रस का आस्वादन करके आनंद हुआ श्री गोस्वामी जी को। गान बड़ा सुंदर करते थे और विद्या सौभाग्यवती हो जाती है अगर उस विद्या का उद्देश्य समस्त विद्याओं के मूल हो जाए तो। माया का मेल कराए कोई मायापति से तो माया प्रसन्न क्यों कर नहीं होगी। जितना भी गुण है, जितनी भी विद्याएं हैं, उद्देश्य तो उसका श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता ही होना चाहिए। पर पाए रतन चीनो नहीं और दीनों करते डार, और यह माया श्री कृष्ण की मोहयो सब संसार। धन हो, विद्या हो, बुद्धि हो, बल हो, गुण हो, रूप हो, सौंदर्य हो, जो भी है, यदि प्रभु के प्रीत्यार्थ निवेदन किया जाए तो अनंत होकर लौटता है, अनंत होकर। तो गान विद्या में बड़े निपुण, बड़े चतुर, बड़ा सुमधुर गान करते। एक बार तानसेन आया श्री गोसाई जी का दर्शन करने के लिए। अब राज दरबार का गायक है, श्री गोसाई जी ने कहा कुछ सुनाइए। तानसेन ने सुनाया।
तो गान पूरा होने के बाद एक अत्यंत सुंदर मूल्यवान जरी के वस्त्र में श्री गोसाई जी ने एक आना बांधकर उसमें दिया। अब जब तानसेन ने देखा कि आज तो ये बड़ा विचित्र पारितोषिक मिला है, पैसा पुरस्कार तो आज से पूर्व कभी मिला नहीं, अत्यंत मूल्यवान वस्त्र, जड़ाव का वस्त्र और उसमें एक आना, तो तानसेन ने प्रश्न भरी दृष्टि से श्री गोसाई जी की ओर देखा। तो श्री गोसाई जी ने कहा, आप राज दरबार के गायक हैं तो ये सुंदर वस्त्र तो है राज दरबार के गायक के लिए, ये अत्यंत मूल्यवान जो वस्त्र है ये तो राज दरबार के गायक का सम्मान है। और बोले एक आना, बोले श्रीनाथ जी के दरबार के गायक के सामने आपका गान बस इतने ही मोल का था, सो आपको एक आना दिया। तानसेन के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, क्योंकि भाई वो भी तानसेन है, तानसेन अर्थात धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान, प्रकृति जिसके वश में है, जिसके स्वरों की साधना ऐसी उत्कृष्ट है कि प्रकृति के पंच तत्व उसके स्वरों के अनुकूल होकर चलते हैं, ऐसा तानसेन। गोविंद स्वामी जी मंदिर के प्रांगण में ही थे, श्री गोसाई जी ने बुलाया, आज्ञा दी कुछ गाकर सुनाओ। श्री गोविंद स्वामी जी उस समय निकुंज की भावना में थे, श्री कुंभन दास जी के एक पद का स्मरण हो रहा था, कनक बेल वृषभान नंदिनी श्याम तवाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत बिहरत संग लाल गिरिधर के कौन भाति पढ़ी रसिकनी रस में रहत कुंभर दास लाल गिरिधर संग कुंभर दास लाल गिरिधर संग रति रस के ली गढ़ी रसिकनी रस में रहत। और जब सुना तानसेन ने गोविंद स्वामी का ये गान, तो तानसेन श्री गोसाई जी से निवेदन करता है कि प्रभु ये मूल्यवान वस्त्र तो ठीक है, क्योंकि ये आपने तानसेन को नहीं, ये आपने राज दरबार के गायक को दिया है, पर ये एक आना आपने मुझे थोड़ा सा अधिक दे दिया, आपके गोविंद स्वामी के गान के सन्मुख मेरा गान इतने मोल का भी नहीं, आपने ये एक आना भी मुझे अधिक दे दिया। आज मैंने जाना कि श्रीनाथ जी के दरबार के गायक का गान कैसा होता है, जब जब विद्या प्रभु को उद्देश्य करके प्रकट होती है, प्रस्फुटित होती है, तो उसका वैभव क्या होता है, उसकी सामर्थ्य क्या होती है, उसकी रसरूपता क्या होती है। विनम्र होकर मस्तक झुका कर चला गया तानसेन। एक बार इनके कुछ शिष्य इनका दर्शन करने के लिए ब्रज में आए, ग्राम के लोगों से पूछा, तो संयोग से गोविंद स्वामी जी को ही मिल गए, लेकिन इनका रूप देखकर इन्हें पहचान नहीं सके। बोले यहां गोविंद स्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, बोले रहते थे, उनको तो कई बरस हो गए पधारे हुए। शिष्य लोग बेचारे दुखी होकर लौट गए। किसी ने पूछा, बोले आपने उनसे झूठ क्यों बोला? बोले हमने झूठ नहीं बोला, हमने सच कहा। बोले वो तो किसी स्वामी से मिलने आए थे, और मेरा स्वामीपन तो कब का मैं निवेदन कर चुका अपने गुरु और गोविंद के चरणों में, मैं अब स्वामी कहां रहा, मैं तो दास हूं, मैं स्वामी नहीं, वो स्वामी से मिलने आए थे और मैं दास हूं, मेरा जो स्वामीपना था वो तो कई बरस पहले गुरु और गोविंद के श्री चरणों में मैंने विसर्जित कर दिया, विसर्जन कर दिया मैंने उसका। कन्या आई, कितने दिन रही उसकी ओर देखा भी नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा कि आपकी पुत्री है,
उसका मन दुखी होगा। श्री गोविंद स्वामी जी ने कहा कि अब मेरा स्वयं पर वश नहीं है, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौने सचु पायो। मन एक है के तो इसे जगत में लगा दिया जाए या जगतपति के चरणों के साथ में बांध दिया जाए। मेरे मन की सब ममता आपकी कृपा से सिमट कर श्री लाडले लाल जी के श्री चरणारविंद में परम विश्राम पा चुकी है। श्री गोसाई जी आनंदित हो गए श्री गोविंद स्वामी जी की सुस्थिर भजन भावना का दर्शन करके। फागुन का महीना आया, यही समय बासंती बयार बह रही है, ब्रजभूमि का अपरूप रूप अलौकिक सौंदर्य प्रकट हो रहा है और श्री गोविंद स्वामी जी धमार गा रहे थे और गाते गाते एकाएक बीच में रुक गए। तो श्री गोसाई जी ने कहा आप रुक क्यों गए? बोले श्री स्वामिनी जी श्री लाल जी के कपोल कमलों पर गुलाल लगाकर और भाग गई। तो श्री गोसाई जी ने कहा तो? बोले अरे भाग गई तो होली बंद और होली बंद तो हमारी धमार बंद। बोले हम तो खेल खेल के संग संग में गा रहे थे ना, जैसे होली का खेल बंद हुआ वैसे हमारी धमार बंद हुई। तो इस प्रकार बड़ी अद्भुत अलौकिक अनुपम अटपटी लीलाएं श्रीनाथ जी और श्री गोविंद स्वामी जी के मध्य हुई। एक लीला और जो बड़ी मधुर है उसका स्मरण मुझे हो रहा है कहकर मैं वाणी को विराम की ओर लेकर चलूं। तो कान्हा नाम का एक बालक था जिसके संग श्रीनाथ जी की बड़ी प्रीति थी, बड़ी खेल खेला करते थे उसके भी संग में। अब एक मेहतर का बालक था, एक बार श्री ठाकुर जी उसके संग में खेल रहे थे, उसको घोड़ा बनाया था, उसकी सवारी कर रहे थे और यहां मंदिर में आरती का संकेत हो गया। श्री ठाकुर जी मंदिर में आने लगे, गोविंद स्वामी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसे नहीं, मेहतर का बालक है, बाहर तो सब ठीक है, बोले मंदिर में तो आचार्यों की मर्यादा है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको स्नान करना पड़ेगा। अब जाड़े के दिन थे, श्री ठाकुर जी ने कहा भैया स्नान नान करने का तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। बोले जाना ही पड़ेगा स्नान करके, ऐसे आप भीतर नहीं जा सकते। बड़ी बहस हुई पर श्री ठाकुर जी ने कहा देखो भाई जाड़ा बहुत है, मैं स्नान नहीं करूंगा। तो श्री गोविंद स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, स्नान मत करिए, आचमन तो करके जाइए। तो श्री जमुना जी की धारा के लेकर जैसे ही श्री ठाकुर जी आचमन करने के लिए झुके, दे दिया धक्का, बोले है गए स्नान। अब क्या था, श्री जमुना जी की धारा ऐसी तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही थी, भंवर पड़ रहे थे, श्री ठाकुर जी गोता खाने लगे। जिसके नाम स्मरण से नाम लेत भव सिंधु सुखाही, वो श्री ठाकुर जी गोता खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में धारा उल्टी बहती है, धारा प्रेम की है और प्रेम की धारा कैसी कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो तैरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। डूबने लगे श्री ठाकुर जी, क्यों? क्योंकि प्रेमी हैं, तैरना नहीं डूबना जानते हैं। श्री गोविंद स्वामी जी ने हाथ पकड़कर निकाला, भीगे वस्त्रों से मंदिर में पहुंचे। श्री गोसाई जी ने जब पूछा तो श्री ठाकुर जी ने सब बात बता दी, सब बात माने अपने पक्ष की बात बता दी कि मैं तो आचमन कर रहा था और गोविंदा ने धक्का दे दियो, अपने पक्ष की बात। अब गोसाई जी थोड़े रुष्ट हुए, बोले ऐसा विनोद भी कभी किया जाता है? लेकिन जब गोविंद स्वामी जी ने सारी बात बताई, बोले अरे जाने कौन कौन के संग खेले, कौन कौन कुछ आवे, बोले हमको तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान है, ये तो आपका लाडला पुत्र है पर आप गुरुचरण हैं, आपकी मर्यादा का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये स्नान करने को तैयार नहीं थे इसलिए दे दिया मैंने धक्का। प्रसन्न हुए श्री गोसाई जी और वो फागुन का महीना उड़त गुलाल और लाल भय बदरा, वो बासंती बयार, वो ब्रजभूमि का अलौकिक सौंदर्य और होली के रसिया रसघन मोहन मूर्ति श्रृंगार रस माधुर सार सर्वस्व विग्रह रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर और ब्रज के गोप ग्वाल ब्रज की गोपांगनाएं। इससे पूर्व कि मैं होली के भाव का स्पर्श करूं, मैं निवेदन कर दूं कि ऐसी अद्भुत प्रीति श्री गोविंद स्वामी जी की श्री गोसाई जी के चरणों में कि श्री गोसाई जी के संग संग ही देह त्याग किया, एक क्षण भी गुरु चरणारविंद के बिना जीवन धारण नहीं किया और यही कहते कहते श्री ठाकुर जी के नित्य कैंकर्य में पहुंचे। प्रीति ही
ते पैये प्रीतम प्रीत ही ते पै जजपि रूप गुण सील सुघरता इन बातन ना रिझैये प्रीतम प्रीत ही ते पै सतकुल जनम करम अरुलाक्षण वेद पुराण पढ़िए प्रीतम प्रीत ही ते पै गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिन रसना कहा नचिए प्रीतम प्रीत ही ते पै